हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर छोटा सा मिनी ब्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड बर्फ़ी। तो उसके लिए हम सबसे पहले मलाई को पैन पे रखेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। उसके बाद इसका घी अलग कर देंगे और जो उसके बाद जो इसका लेफ़्ट ओवर बचता है, जो भी खोया मावा जो भी होता है, उससे हम बर्फ़ी बनाएंगे। तो ये देखिए, ये सारा जो है घी अलग हो गया है। अच्छे से घी बन गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसमें से जो घी है वो सारा छान लेंगे। सारा घी हमने छान लिया अच्छे से। इसको हम फिर से पैन में डाल देंगे। फ्लेम फिर से ऑन कर देंगे और इसमें चीनी डाल देंगे। फिर से मिक्स कर देंगे और डेसिकेटेड नारियल डाल देंगे। इसको फिर से मिक्स करेंगे। सारी जो चीज़ें हैं अच्छे से मिक्स हो गई है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और इसको थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। मैंने इसको अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया है। अभी ये थोड़ी देर में ये सेट हो गया अच्छे से। ये देखिए मेरा सेट हो गया। फिर हम इसके किनारे किनारे छुड़ा लेते हैं और इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए ये मिल्क बर्फी की तरह लग रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा बादाम से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो इसको कट करके देख लेते हैं। बस हनी से इजीली कट हो रहा है। ये देखिए तो इसके बड़े पीसेस ही रख कर रही हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।